गुड मॉर्निंग भैया अभिनव। आज हम विराम चिन्ह चल रहे थे अपने। विराम चिन्हों में, विराम चिन्हों का प्रयोग बता रहा था मैं आपको, कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए। तो उसी स्टेज में आगे चलते हम, तो क्रमांक 6, 1 से 5 तक पहले आपको बता चुका मैं, आप गृह कार्य में भी कर लिए होंगे। उसके आगे विराम चिन्हों में ही आगे आता है 6 नंबर पर निर्देशक चिन्ह। अब ये निर्देशक चिन्ह क्या है ये हमको अच्छी तरह समझना है। इसकी पहले तो जानकारी हमको पता रहना चाहिए, वह निर्देशक क्या है, निर्देशक चिन्ह, पहले तो चिन्ह का पता रहना चाहिए कि निर्देशक चिन्ह क्या है। निर्देशक चिन्ह आप देखिए, ये चिन्ह दे रखा है, ये कोष्ठक में दिया हुआ है, ये निर्देशक चिन्ह बोलते हैं इसको। ये चिन्ह भी समझ में आना चाहिए, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं? वार्तालाप लेख में वक्ता के नाम के आगे और कोई उदाहरण देना हो, ध्यान में आ रहा है, वार्तालाप लेख में यानी बातचीत करते समय कोई बोल रहे हैं और उसको कोई लिख रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हैं, तो वार्तालाप लेख में वक्ता के नाम के आगे यानी बोलने वाले, वक्ता कौन, जो बोल रहा है वो, तो उसके आगे, उसके नाम के आगे और कोई वक्ता कोई उदाहरण दे रहा है उसके आगे, जैसे मैं शिक्षक हूँ, मैं भैया बहनों को आदेश कर रहा हूँ तो मेरे नाम के आगे और भैया बहनों को उदाहरण दे रहा हूँ उसके भी आगे, ये निर्देशक चिन्ह लगता है। तो इसकी परिभाषा है वार्तालाप लेख में वक्ता के नाम के आगे और कोई उदाहरण देना हो वहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी वहाँ पे निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अब हो गया वक्ता कौन हो गया, शिक्षक, पढ़ाने वाला गुरुजी, आचार्य जी, ये शिक्षक हो गए, इसके नाम, इनके पहले ये चिन्ह लग गया। इसके बाद में गुरुजी क्या आदेश कर रहे हैं, क्या निर्देश दे रहे हैं छात्रों को, क्या निर्देशित कर रहे हैं, यानी छात्रों अपना पाठ सुनाओ। भैया बहनों कल मैंने कहा था ना पाठ याद करके आना है, तो अब गुरुजी आज सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं कि भैयाओं अपना पाठ सुनाओ। ये हो गया निर्देशक चिन्ह, दो जगह, यानी उदाहरण से पहले और शिक्षक से, वक्ता से पहले, दोनों जगह ये निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। अब आप निर्देशक चिन्ह ये होता है, दो चिन्ह आएंगे ऐसे, एक चिन्ह और आएगा, दोनों में अंतर है, उसको बोलते योजक चिन्ह। चिन्ह एक समान है दोनों, ये ध्यान रखना, अभी नीचे आएगा, इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। ये नीचे ऐसे का ऐसे ही है कोष्ठक में, ये योजक चिन्ह, दोनों में अंतर है। यहाँ निर्देश दिया जा रहा है वक्ता द्वारा, कार्य करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ये कार्य करो, बताओ मुझे करके, यहाँ निर्देश दिया जा रहा है इसलिए चिन्ह लगाया जा रहा है, निर्देशक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जैसे उदाहरण है, जैसे शिक्षक छात्रों अपना पाठ सुनाओ, दोनों जगह योजक चिन्ह आ गए, क्लियर, ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर पर है कोष्ठक में ये संबोधन सूचक चिन्ह, ये दे रखा है, देखिए आप ब्रैकेट में पूर्ण विराम लगा रखा है, उसके नीचे ये छोटी सी बिंदु लगा रखी है, ये आपको संबोधन सूचक चिन्ह, ऐसा चिन्ह आएगा उस वाक्य को क्या कहेंगे, संबोधन सूचक वाक्य है ये। जैसे अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी जानकारी कैसे रखनी है हमको, जब किसी को संबोधन किया जाए तो उसके नाम के आगे संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कक्षा में 30 भैया बहन बैठे हैं,
और शिक्षक या गुरुजी या आचार्य जी अब किसी भैया को कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो संबोधन करेंगे, यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड के पास से संबोधन करेंगे, कक्षा पूरी सामने बैठी हुई है तो वो कहेंगे, अब पूरी कक्षा को तो समझाए रहे हैं लेकिन कोई भैया मान लो ध्यान नहीं दे रहा है तो अब गुरुजी उसके पर्सनल उसका व्यक्तिगत नाम बोलेंगे, अरे रमेश, ये हो गया संबोधन, यानी उसके नाम से पुकारना, बुलाया जाना, संबोधन सूचक चिन्ह। जब किसी को संबोधन किया जाए तो उसके नाम के आगे संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अरे रमेश जल्दी आओ, कौन आओ, रमेश, अरे रमेश जल्दी आओ, व्यक्तिगत नाम हो गया, संबोधन व्यक्तिगत नाम से कर रहे हैं आचार्य जी गुरुजी, जल्दी आओ। फिर अब मान लो गुरु जी को पता नहीं है, छात्र का नाम ही ध्यान में नहीं है, तो गुरु जी क्या कहेंगे, हे छात्र लेखन लिखो। मान लो सब बच्चों के ध्यान में, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके नाम नए होते उनके नाम गुरु जी को याद भी नहीं रहे, लेकिन अधिकतर तो 90% तो याद रहते ही रहते हैं क्लास के बच्चों का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नाम जल्दी से नहीं आता है, तो उनके लिए क्या कहते हैं फिर, हे छात्र लेख लिखो, सुलेख करा रहे हैं ना आपको, क्यों नहीं कर रहे हो आप, लिखो। ये हो गया आपका संबोधन सूचक चिन्ह, किसी के नाम से पुकारना, हाँ, या उसको कोई बुलाना, नाम के आगे संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। ये हो गया क्लियर, ये भी। अब आया आठवें नंबर पर अपना योजक चिन्ह, ये बड़ा विशेष है। योजक यानी मिलाना, जोड़ना, मित्रता करना आपस में एक दूसरे से, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह है दो शब्दों, ध्यान से सुनना, दो शब्दों या शब्द खंडों को, यानी दो शब्दों या शब्द खंडों को जोड़ने के लिए या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक पद के रूप में लिखने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। ये अलग हो गया, वहाँ निर्देश दे रहे थे छात्रों को पढ़ने के लिए, यहाँ अलग हो गया, चिन्ह एक ही है, चिन्ह यहाँ बदल गया, ये निर्देशक चिन्ह है या निर्देशित किया जा रहा है, छात्रों को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं दो शब्दों, यानी जैसे माता और पिता दोनों शब्द एक है, इनको जोड़ने के लिए ये बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो माता पिता, तो उदाहरण है जैसे माता योजक चिन्ह, पिता, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, माता पिता सभी के पूज्य या प्रिय होते हैं, सभी के प्रिय होते हैं माता पिता तो, हाँ, सबसे पहले गुरु भी माता पिता ही है, जो सबसे पहली पाठशाला ही माता पिता के पास है, सब कुछ वहाँ सीख के आते हैं, तो इसलिए अब दो से अधिक, इसमें दो शब्दों को या शब्द खंडों को जोड़ने के लिए काम में आता है, या फिर दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द एक रूप में लिखने के लिए, एक साथ लिखना, एक रूप में लिखने के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दीपावली पर घर 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 में दीप जलाए जाते, पूरा वाक्य आ गया, दीपावली पर घर, ये लग गया योजक चिन्ह, घर घर दो या दो से अधिक, दीपावली पर घर घर में दीप जलाए जाते हैं, तो ये आप एक पद के रूप में लिखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये आपके चिन्ह हो गए, सबके समझ में आ गए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, धन्यवाद।